नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ज्योमेट्री बनाना, वो भी ICM CFD पर। सबसे पहली बात, ICM CFD NSS का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप बेसिक ज्योमेट्री बना सकते हैं और मैशिंग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप। उसके लिए सबसे पहले हमें एक पाइप बनाना पड़ेगा और उसकी मैशिंग करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पाइप बनाना। पाइप बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ज्योमेट्री में जाकर सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन क्रिएट पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन सेलेक्ट स्क्रीन, दूसरा एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर बेस पॉइंट एंड डेल्टा, यहाँ पर सेंटर ऑफ थ्री पॉइंट्स और आर्क्स, ये बेस्ड ऑन टू लोकेशंस, एंड ऑफ कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, एनी पैरामीटर अलोंग अ कर्व एंड प्रोजेक्ट पॉइंट टू कर्व, प्रोजेक्ट पॉइंट टू सरफेस। अभी हम अपनी ज्योमेट्री बनाना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस पॉइंट हम 0 0 0 मान लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि पाइप की लंबाई यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो होना है अगला पॉइंट वो रहेगा 50 यूनिट्स का। हमने फिर अप्लाई किया, स्क्रीन में अभी 50.0.0 नहीं दिख रहा, तो ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है फिट विंडो, या फिर आप एक्स की दबाकर भी ये चीज़ कर सकते हैं। हमने फिट विंडो किया, देखा तो दोनों पॉइंट सामने आ गए। आप चाहे तो ये काम माउस के मिडल स्क्रोलर से भी कर सकते हैं। उसके बाद पाइप की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। अगर पाइप का डायमीटर मैं 10 यूनिट्स मान लूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो मैंने अपने कोऑर्डिनेट 0.5.0 पर एक और पॉइंट बना लिया। सिमिलरली फॉर एक्स इक्वल टू 50 मैंने एक और पॉइंट बनाया 50.5.0 पर, और यहाँ पर मेरा पॉइंट्स का काम ख़त्म हो चुका है। मैं पॉइंट्स को डिसमिस कर दूंगा। अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा क्रिएट और मॉडिफाई कर्व। क्रिएट और मॉडिफाई कर्व में सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम पॉइंट्स, इसको आप सेलेक्ट करें। सबसे पहले पहला पॉइंट सेलेक्ट करें, फिर जो आपका पाइप का रेडियस है वो सेलेक्ट करें और मिडल माउस बटन ज़रूर प्रेस करें, यानी कि मिडल में स्क्रोलर को ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन की जगह स्प्लाइन बन गई है। इस वजह से आपको मिडल माउस बटन प्रेस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, अब इस कर्व को जो स्प्लाइन बन गई है इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री में ही फोर्थ लास्ट ऑप्शन होता है डिलीट कर्व का, इसे सेलेक्ट कीजिए और जो गलत कर्व बन गया है उसे क्लिक करिए और मिडल माउस बटन प्रेस करिए, आपका गलत वाला कर्व डिलीट हो जाएगा। वापस से हम कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि पाइप का सरफेस रहने वाला है। फ्रॉम पॉइंट्स का ऑप्शन चूज करेंगे। आउटर कवरिंग के लिए पाइप के लेंथ के अलॉन्ग मैंने सेलेक्ट किए अपना कर्व, उसके बाद एंड पॉइंट से लेकर और जो आपकी एंड पॉइंट लाई करेगा पाइप की लेंथ के ऊपर वहाँ सेलेक्ट किया और मिडल माउस बटन प्रेस किया। यहाँ तक मेरा कर्व का काम हो चुका है। अब अगर मुझे पाइप बनाना हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट मैं अपने इन तीन कर्व्स को रिवॉल्व कर दूँ तो मेरा पाइप बन जाएगा। पाइप बनाने के लिए मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्रिएट और मॉडिफाई सरफेसेस। मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, स्टार्ट एंगल 0 डिग्री, एंड एंगल 360 डिग्री, क्योंकि आपको पूरा 360 डिग्री तक इन कर्व्स को घुमाना है। आपका एक्सिस पॉइंट्स सेंटर पॉइंट्स हो गए,
मिडिल माउस बटन प्रेस करना ना भूलें। अब सेकंड ऑप्शन आया कर्व्स, कर्व्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है तीनों को, और मिडिल माउस बटन जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे ही आप देखेंगे इस टाइप से आपका पाइप दिखने लगेगा। ये लाइन वायर फ्रेम में है, इसको सॉलिड शो करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको सॉलिड शो होने लगेगा। अभी तक सारी की सारी ज्योमेट्री आपकी एक ही पार्ट के नाम पे है, दैट इज़ ज्योमेट्री। अब हमें नेमिंग करनी पड़ेगी पार्ट्स की, तो पार्ट्स पे आके राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट पार्ट पहला ऑप्शन चूज़ करिए, पार्ट का नाम दे दीजिए इनलेट। एंटिटी सेलेक्ट करने के लिए आप कहीं पर क्लिक भी कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया, लेफ़्ट क्लिक से आप एंटिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बॉक्स सेलेक्शन भी आप कर सकते हैं, और इसको करने के बाद डिसमिस कर देंगे। जैसे ही आपने इनलेट को अनचेक किया, देखेंगे आप सामने से आपका सरफेस हट चुका है। सिमिलरली आउटलेट वाला पार्ट बनाएंगे, ये आउटलेट वाला पार्ट मैंने बनाया, अगेन डिसमिस। तीसरा पार्ट रह गया मेरा पाइप का सरफेस, एंटिटी, ऑल विजिबल एंटिटी, डिसमिस। जैसे ही आप करेंगे, वैसे देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री नाम का पार्ट गायब हो गया है, क्यों? क्योंकि आपने सब पार्ट्स के नाम दे दिए हैं ज्योमेट्री, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ तो रह ही गई, बॉडी का नाम देना। आप बॉडी का नाम देंगे तो ज्योमेट्री के अंदर चौथा ऑप्शन आता है क्रिएट बॉडी, इसको चूज़ करिए। नाम आप क्या देना चाहेंगे बॉडी का नाम? बॉडी का नाम दे देते हैं हम पाइप फ्लो रीजन एट सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स। पाइप के बीचों बीच हमने ले लिया पाइप फ्लो रीजन, यहाँ तक। अब आप अगर सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करके और सॉलिड सिंपल डिस्प्ले देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पाइप आपके सामने हाजिर है। अगली स्टेप होती है मैशिंग, मैशिंग के बारे में अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।